हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होम्योपैथ में फिशुरा की कोई बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। जैसा कि यूट्यूब पे आप देखेंगे टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर फिशुरा इन एनो, टॉप 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर फिशुरा इन एनो, नॉट ओनली द फिशुरा इन एनो बट बहुत सारे डिजीज की बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स आ करके यूट्यूब पर ये लिख करके पोस्ट चले जाते हैं कि दिस इज द टॉप बेस्ट मेडिसिन ऑफ डिसीज फॉर दिस डिसीज। तो क्या सही है या नहीं है, हम इसके बारे में थोड़ा सा जो है इसके ऊपर अपना फोकस करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर और भी मैं अपना देना चाहूंगा। मोस्टली देखा गया है जो मेडिसिन के नाम मैं आपको बता दूं जो कि मोस्टली जो फिशुला में यूज होती है, जैसे हिपर सल्फ हो गई, साइलिसिया हो गई, मायरिस्टिका हो गई, कल्केरिया सल्फ हो गई या काली म्यूर हो गई, एसिड नाइट्रिक हो गई, बेलाडोना भी हो गई, मक्साल हो गई, कैलेंडुला हो गई, इचिनेसिया हो गई, गन पाउडर हो गया, ठीक है। इस तरह की मेडिसिन मोस्टली जो है फिशुला में यूज की जाती है। बट आई एम रियली सॉरी टू से कि अपार्ट फ्रॉम दीज मेडिसिन और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो होम्योपैथ मेडिसिन है जो कि फिशुला के पेशेंटों में यूज की जाती है, बट हम उनको कभी ना आज तक यूट्यूब पर देखे हैं और ना ही किसी डॉक्टर के मुंह से हम सुने हैं कि इस तरह की मेडिसिन का भी फिशुला में इस्तेमाल करना चाहिए या किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं ये डीप लेवल की हैं, ये नियाजमेटिक मामला है। व्हेन यू नो दैट हाउ टू द रूल आउट द डिसीज एंड यू नो हाउ टू द क्लासिफाइड ऑफ दिस डिसीज इन विच नियाज्म, फॉर एग्जाम्पल सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस एंड ट्यूबरकुलर, नाउ फोर नियाज्म इन द होम्योपैथी आर मोस्टली यूज, बिफोर ओनली 3। पहले सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस था, अभी ट्यूबरकुलर को भी ऐड कर लिया गया एज ए मियाज्म। और जिस डॉक्टर को इस मियाज्म के बेस पर मेडिसिन देना आएगा, और देना कब आएगा, जब उसका क्लासिफिकेशन उसको करना आएगा, तब उस पर अगर काम करेगा तो ही आर सी विल बी अ सक्सेस डॉक्टर। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, व्हाई दे आर नॉट पोस्टिंग देयर पेशेंट टेस्टिमोनियल ऑडियो वीडियो और टेक्स्ट और द स्क्रीनशॉट ऑन देयर चैनल टू शो दैट हाउ मेनी पेशेंट्स आर हैव बीन सक्सेसफुली ट्रीटेड फ्रॉम देयर ट्रीटमेंट। जो 3-5 मेडिसिन टॉप बता के चले जाते हैं वो क्यों नहीं अपने पेशेंट जो उनके ठीक हुए हैं उनका, जैसे मैं अपने चैनल पे देता हूँ ऑडियो फॉर्म, वीडियो फॉर्म, टेक्स्ट हो, स्क्रीन शॉट हो, कुछ भी हो, क्यों नहीं लगाते, क्यों नहीं करते, वाई, वॉट इज द रीजन? आप बता के तो चले जाते हैं, पेशेंट इस्तेमाल कर लेता है, कुछ लोगों का ठीक भी हो जाता है, ऐसा हम टोटली निगलेक्ट नहीं करते, बिकॉज होम्योपैथी एक हर्बल कैटेगरी में आती है, एक नेचुरल ट्रीटमेंट की तरह से आती है, तो इसमें कोई साइड इफेक्ट के मोस्टली चांसेस नहीं होते। हाँ, ओवरडोज के चांस बहुत अच्छे से रहते हैं, जिन्हें कोई डॉक्टर ही शायद बताता होगा कि व्हाट इज द वर्स एक्शन ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन व्हेन इट विल बी गोज इनटू बॉडी एज ए ओवरडोज। जब मेडिसिन का टू फ्रीक्वेंट रिपीटिशन आप ऐसी पोटेंसी में कर देते हैं जिससे पेशेंट को वो मेडिसिन ओवरडोज होने के चांसेस रहते हैं, ऐसी कंडीशन में पेशेंट किस सलाह मशवरा करेगा और एंड हाउ ही आर सी कैन नो दैट कि दिस मेडिसिन क्वांटिटी आर मच इन आवर बॉडी एंड दैट्स व्हाई दिस डिसीज इज नॉट क्योर, नहीं हो रही हो, व्हाई एंड हु विल टेल? आपने तो 5 और 3 टॉप मेडिसिन बता के तो चल दिए, आप पेशेंट इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर ये ओवरडोज हुई उनकी बॉडी में और उसका साइड इफेक्ट उसके बॉडी में आ रहा है तो अब उसे कंट्रोल कौन करेगा, बिकॉज उसने आपसे तो कंसल्ट नहीं किया है, वो तो सेल्फ मेडिकेशन ले रहा है ना। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम पेशेंटों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा किसी ऐसे डॉक्टर से कनेक्ट करें जिसे आप समझते हैं दिस इज अ ट्रस्टेबल एंड यू कैन ट्रस्ट, तो ही उससे ट्रीटमेंट लें। बट सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी होम्योपैथ में ना करें, या किसी भी पैथी में सेल्फ मेडिकेशन अच्छा नहीं होता अनलेस आपको उसकी उस पैथी के बारे में सफिशियंट नॉलेज हो, उसके कॉम्प्लिकेशंस, कंट्राइंडिकेशंस, लिमिटेशंस, एग्रेवेशन, एमेलोरिएशन, जो भी चीजें होती हैं, उसके सिम्टम है, रूबरी कन्वर्जेंस है, प्रोज है, कॉन्स है, पोटेंसीज है, रिपीटेशंस है, डोजेस है, ये सारी चीजें आपको पता हो तब भी मैं कहता हूं कि प्लीज कॉन्टेक्ट विद द हेल्थ प्रोफेशनल, बिकॉज वो इसके मास्टर हैं, दे आर द मास्टर ऑफ देयर पैथी। जो भी कर रहे हैं, जो चाहे वो एलोपैथ कर रहे हैं, होम्योपैथ कर रहे हैं, आयुर्वेद कर रहे हैं, यूनानी कर रहे हो, सिद्धा कर रहे हो, अकुपंक्चर कर रहे हो, एक्यूप्रेशर कर रहे हो, हिजामा कर रहे हैं, जो चीज आप जिस
पैथी या थेरेपी के प्रोफेशनल से लेंगे उसमें आपको कम से कम नुकसान होने के चांसेस होते हैं, मोस्टली नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, जैसे एलोपैथ मेडिसिन, तो उसके अपने इफेक्ट के साथ साइड इफेक्ट हैं, वो चाह के भी डॉक्टर उसको नहीं रोक सकता। इसलिए मैंने कहा कि लेंगे तो कम होगा, बट होम्योपैथी में जब आप प्रोफेशनल डॉक्टर से ले लेते हैं यही ट्रीटमेंट, तो ये जीरो हो जाता है। व्हाई आई सेड जीरो, बिकॉज दैट डॉक्टर्स नो दैट हाउ मच डोजेस हैव टू बी प्रिस्क्राइब दिस पेशेंट, and at the same time doctor knows the that particular medicine's power, means potency and durations, repetition, doses, follow ups kab kaise karna wo sara janta hai. That's why he or she called doctor, because wo uske professional hai. अब आप अपनी मर्जी से YouTube पे आते हैं और हिपरसल, सलिसिया, महारिष्टिका, कलकेरियासल, कलकेरिया फ्लो, बहुत सारी मेडिसिन है, कैलेंडुला, इस तरह की चीजें जो कि जनरल हैं, वो आप इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप एक जगह स्टक कर जाते हैं, क्योंकि फिर प्रोग्रेस हो नहीं पाती है, या आपने कम लिया होगा या ज्यादा ले लिया होगा, आप कोई कंफ्यूज नहीं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है, क्या आपने जो मेडिसिन ली उसका सिम्टम आपसे मैच कर रहा था या नहीं कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, हम हीपर सल्फ को लेते हैं, इसी हीपर सल्फ मेडिसिन से आप किसी भी एब्सेस को पका भी सकते हैं। इट मीन्स कि अगर रहा है वो, तो उसको पकाने के मतलब वो पीला पड़ जाए, उसके अंदर पस फॉर्मेशन अच्छे से हो जाए, ताकि उसको फटने में, बर्स्ट होने में आसानी हो। अब इसकी कौन सी पोटेंसी देनी है और उसका कैसा कलर होना चाहिए और किस रंगत पे होना चाहिए और क्या सिम्टम होना चाहिए, तब हमें हीपर सेल प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल कौन बताएगा। जो लोग 3 से 5 मिनट शॉर्ट वीडियो बनाकर 3 और टॉप 5 मेडिसिन को पोस्ट करके चले जाते हैं, वो तो कभी ये नहीं बताते कि व्हाट इज द चीफ एंड पिक्यूलियर सिम्टम्स ऑफ द हीपर सेल। कुछ डॉक्टर हैं स्टिल दे आर एक्सप्लेनिंग, बट उन्हें कोई सुनने को तैयार नहीं है। अभी भी कुछ लोग डॉक्टरों को मैं जानता हूं कि दे आर पोस्टिंग, एक तरह से कहें कि वो बड़ी लॉन्ग वीडियो पोस्ट करते हैं और वो एक एक मेडिसिन के जो चीफ सिम्टम्स होते हैं वो बताते हैं, एंड आई रियली लाइक दैट। बट वो पेशेंट का तो काम नहीं है ना, दिस इज द डॉक्टर का काम है, या तो स्टूडेंट जो होगा बीएचएमएस का लर्नर, एंड ही आर सी कैन ओनली लिसन दैट वीडियो। आप तो आए अपनी पर्टिकुलर डिसीज के लिए, आपके पास इतना टाइम तो नहीं, आप बैठ के मटेरिया मेडिका पढ़े यहाँ पे आप और उसके सिम्टम्स को जाने। तो जब आपने मटेरिया मेडिका किसी भी डिसीज की नहीं जानी है, नहीं पढ़ी है, उसका उसका फुल जो है सिम्टम, इसका कितना वर्सटाइल, इसकी रेंज क्या है, कितनी डीप एक्टिंग मेडिसिन ये है, इसका एनिमिकल डोसेस किस मेडिसिन से हो सकता है और इसका असर किससे जो है खत्म हो सकता है, कौन इसकी एंटीडोट्स है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये मेडिसिन ले लो और कैसे पेशेंट को ले लेना चाहिए। मैं उन तमाम डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्या आपने उन पेशेंटों की सारे की तो आपने तो ली नहीं है कोई हिस्ट्री, आपने जस्ट रैंडम तो पोस्ट कर दिया। मैं भी इससे इत्तेफाक करता हूं कि ये अच्छी मेडिसिन हैं, बट याद रखिए सिंपल सी बात है, जब सिम्टम और मेडिसिन मैच कर जाएं, तब उस कंडीशन में वही मेडिसिन उस डिसीज के लिए टॉप मेडिसिन हो जाती है। दैट्स इट, सिंपल लाइन में बात करें कि टॉप मेडिसिन ऑफ द एनी डिसीज, उसका सिम्टम जो चीफ हो उस मेडिसिन से मैच कर जाए, 100 नहीं तो अप्रोक्सीमेटली 80-90% मैच कर जाए, क्योंकि इट नॉट पॉसिबल कि सारी डिसीज में सारा सिम्टम एकदम एग्जैक्ट एंड डिक्टो मैच करे किसी भी मेडिसिन से। कभी कभी कॉम्प्लेक्स इश्यू होते हैं तो उसमें जो है बहुत ज्यादा सिम्टम्स होते हैं, तो उनमें हमें देखना है कि चीफ कौन है, किसको प्रायोरिटी देनी है। इसके लिए आजकल मार्केट में जो है एप्लीकेशन भी और सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है होम्योपैथ में, क्योंकि होम्योपैथ में बहुत ज्यादा सिम्टम्स होते हैं, लाखों के हिसाब से, नॉट इन द थाउजेंड, लाखों में सिम्टम्स हैं। तो अगर किसी को डीप स्टडी करनी पड़ेगी तो डॉक्टर का काम है, ये पेशेंट का काम नहीं है, तो वो उसके बारे में डीप स्टडी करना रहेगा। ऐसा जो है ऐसे केसेस में होता है, जो चैलेंजिंग केसेस होते हैं, क्रॉनिक केसेस होते हैं, और वहां पे बहुत सारी मेडिसिन फेल हो चुकी होती हैं, तब डॉक्टर इस तरह से जो है मेडिसिन को जो क्रॉस मैच करता है और उसकी पोटेंसिटी वगैरह के बारे में चेक करता है, कहां पे मिस्टेक हो रही है और हमें क्या मेडिसिन और देनी चाहिए, क्या रिपीट करना चाहिए। बारे हम बात कर रहे थे कि टॉप 3 और टॉप 5 मेडिसिन का, तो मैं कहता हूं हीपर सल्फ का जो मेडिसिन है उसी से हम पोड़े को पका भी सकते हैं, उसी से बर्स्ट भी कर सकते हैं, उसी से एक्सक्यूज करके जो है हम ड्रेन भी कर सकते हैं विदाउट इंसिजन, विदाउट द कट। अच्छा, ये काम हम उससे भी कर सकते हैं, ये काम हम बेलाडोना से भी कर सकते हैं, ये काम हम मायरिस्टिका से भी कर सकते हैं, ये काम हम साइरिसिया से भी कर सकते हैं, बट ये कौन बताएगा कि इस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन इस टाइम में प्रिस्क्राइब करनी है। हु विल टेल that this medicine will be best for you at this time, because your symptom approximately are 100% are close to meet
फॉर दिस पर्टिकुलर मेडिसिन। तो जब पेशेंट आपसे मिला नहीं, आपने तो बस आए सुबह और 3-4-5 मिनट की वीडियो बनाए, पोस्ट कर दिए, चले गए, पेशेंट इस्तेमाल कर लिया। मैं ये वीडियो क्यों बना के कह रहा हूं, क्योंकि इससे होम्योपैथ बदनाम हो रही है। वाई? क्योंकि मेरे साथ पेशेंट आके मैसेज कर रहा, सर हम होम्योपैथ 8 महीने से ले रहे हैं, 9 महीने से ले रहे हैं, 10 महीने से ले रहे हैं, हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो अगर हम पूछते हैं कि किस डॉक्टर से ले रहे हैं, तो मोस्टली लोगों का आंसर होता है हम यूट्यूब पर देख करके ले रहे हैं। डॉक्टर लोग से भी लेते हुए हमने बताया, हमें बताया लोगों ने कि लिए हैं लोग, बट मोस्ट जो केसेस होते हैं वो कहते हैं सर हमने यूट्यूब पर देखा, वहां से हम ले रहे हैं, यानी सेल्फ मेडिकेशन ले रहे हैं। तो ये उन्हें कौन बताएगा कि आप इस तरह की वीडियो ना बनाए जो कि top 3, top 5 मेडिसिन की कैटेगरी में हो, बल्कि इस तरह से बताएं कि ये मेडिसिन इस तरह के सिम्टम पे अच्छा काम करती है, ए मेडिसिन इस तरह के सिम्टम पे अच्छा काम करती है, ए मेडिसिन इस तरह के सिम्टम पे अच्छा काम करती है। और फिर आके ये भी कहें कि दिस इज ओनली फॉर द नॉलेज पर्पस, फॉर द ट्रीटमेंट यू मस्ट हैव टू विजिट योर, चाहे फैमिली डॉक्टर हो, चाहे लोकल डॉक्टर हो, जो भी आपके करीब में हो, बट वो उसके प्रोफेशनल हो, उनसे आप कॉन्टेक्ट करिए, उनसे एडवाइस करिए, उनके सुपरविजन मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे, उनको जो रिजल्ट मिलेगा अच्छा मिलेगा कंपेयर टू द जो वीडियो देख कर कहते हैं उसमें तो एकदम नील हो जाने के चांसेस रहते हैं। फिर वो पैथी बदनाम होती है, फिर वो कहते हैं सर हम भी तो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड दीज मेडिसिन। फिर वो बहुत मुश्किल होता है ऐसे पेशेंटों को समझाना। वीडियो बहुत लंबी हो गई, बहुत सारी बातें थी जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन, और अपना ख्याल रखें, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें, किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल से या उससे कनेक्ट करें, उसके बाद ट्रीटमेंट लें और उसकी एडवाइस को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सिंधा नेक्स्ट वीडियो।